ना पूछो सर, आपका मुस्कुराना गजब हो गया था, आंख उठाया था लेकिन फिर ठीक था, आंख उठा कर झुकाना गजब हो गया हुजूर, पानी आते आते यानी गजब हो जाता है। झूठे खाली बोला वो सोच है। मानंदा के कटाव से यकीस परिवार का घर नदी में विलीन नहीं उठ रही है बेटियों की डोली। पूर्णिया जिला के बायसी अनुमंडल अंतर्गत बनगामा पंचायत के मड़वा गांव के लोग 100 साल से विस्थापन का दंश झेल रहा है, जहां मानंदा और परमान दो नदी मिलकर इस गांव के लोगों को अपना विकराल रूप दिखाती है और हर साल सैकड़ों घर को अपने में विलीन कर लेती है। इसका उदाहरण आज देखने को मिला। बनगामा पंचायत के मड़वा में 21 परिवार ने अपना आशियाना खो दिया। इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कभी इस गांव की आबादी 10 से 12 हजार हुआ करते थे, लेकिन आज नदी के कटाव के कारण इस गांव की आबादी मात्र 3000 के करीब है। ऐसा इसलिए है कि बार बार आशियाना उजारने के डर से कुछ लोग इस गांव को छोड़कर नए जगह में अपना आशियाना बनाया, और जिसके पास कोई आसरा नहीं है तो वह आज भी अपने भाग्य के सहारे इसी गांव में रह रहे हैं और हर साल तबाही और मौत को करीब से देखने के बाद महिला ग्रामीण बीबी माहिनूर खातून ने बताया कि उसकी बेटी बड़ी है पर शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है। तो मड़वा गांव के बीबी खातून ने बताया कि कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं, अधिकारी कभी आते भी है तो देखकर चले जाते हैं, रात को भी उनको नींद नहीं आती है, कहीं कटाव में घर सहित उनका परिवार न बह जाए। बेटियों की शादी होने में भी हो रही है कठिनाई। तो रुक्को परवीन ने कहा कि कॉलेज आने जाने में भी हो रही है कठिनाई और उसकी शादी विवाह कैसे होगी। तो ग्रामीण अब्दुल कलाम आजाद ने बताया कि उसका घर 2 बार नदी में कट चुका है, अब तीसरी बार उनका घर कटने के कगार पर है। वह मुखिया प्रतिनिधि अबू बकर ने बताया कि सभी अधिकारी को सूचना देकर थक गए। जब मुख्यमंत्री को मेल किया गया तो 300 मीटर तक कटाव रोधक कार्य हुआ, उसके बाद काम रुक गया है और इसका कारण इस वर्ष भी 21 परिवार का घर मानंदा में विलीन हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 आश्रम भवन का टेंडर मरवा में हुआ था लेकिन न जाने किस कारण उसे पोखरिया गांव में बना दिया गया, यदि आज भवन यहां रहता तो आज इस परिवार को आश्रय मिल सका होता। वहीं कई ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव से बेटियों की डोली भी उठने से रह गए हैं। इस संदर्भ में बायसी अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी ने बताया कि बाढ़ के विभिन्न चयनित स्थानों पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। मानंदा बांध का सर्वे का कार्य पूरा हो गया है, जल्द ही बांध बनने के बाद कटाव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। वहीं इस मौके पर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी तेजलाल सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ से पूर्व भी कार्य किए गए हैं एवं जो क्षेत्र बाढ़ आने के कारण आपदा से ग्रस्त हो गया है उस पर भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मकान के उस पार चलिए आइए, यहाँ पे बोरी भी थैला किया हुआ है। हाँ। कितना बोरी होगा अब तब बोरी होगी तो बोला अच्छा है अभी वहाँ रखा। हाँ उसमें क्या होता है बोरी उठा के लेके चल जाए। हाँ, रात को उठा के लेके चले तो कौन अगर देख लेंगे तो कौन बोलेगा उसको। वो बोरी जिस काम के लिए रखा है वो काम नहीं हो रहा है ना, चोरी करके चला गया। उतना बालू देखे वो देखिए, बालू देखिए आपका सामने में वो रखा हुआ है, आप जांच कीजिए, नहीं काम नहीं हुआ भाग गया। ये पीछे जो आपका घर दिख रहा है ये कितने दिन से नदी में लटक रहा है? 3 साल से ऐसे ही लटका हुआ। हाँ ऐसे। अच्छा, कोई प्रशासन आते हैं देख करके चले आते हैं? हाँ देख करके, कितना हफ्ता में एक महीना में वीडियो ने सीओ आया था, आता है फिर देख करके फिर वो फोटो वोटो लेकर के फिर भागता है। परसों अकबर कौन सी जगह है ये? मरवा पंचायत बनगावा। बोरी में आप बैठे हुए हैं, किस काम के लिए रखा गया? ये बोरा लड़की में देने के लिए, जो जहाँ जाकर सब होगा बोरा सब दिया है, पहले जो दिया है वहाँ बोरा घसक दिया है। कितने दिन से रखा हुआ? 15 दिन होगा। क्या काम नहीं हो रही है? नहीं काम नहीं हो रहा। यहाँ सारे थैला रखा हुआ है और आपके ही गांव में लगातार नदी कटान हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जबकि आप बोरा मौजूद है उस पर जो कार्य हो सकता है, कोई होश नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे? या तो हम लोग का घर कट जाता है, देखिए बांस का झाड़ी कट रहा है, अब आइए घर कोई बड़ा चल को सब बड़ा दिखा दे जी। बहुत बड़ा दिए हैं हम लोग वहाँ से ढोल ढोल। अच्छा, कितने दिन से कटा हो रहा है? करीब करीब 2016। कितना घर यहाँ से जो कट करके दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है बता सकते हैं? करीब 50 घर होगा। हाँ कम से कम कम होगी। इस साल का क्या स्थिति है? इस साल तो घर तो ये भाग के नहीं गया है, पुराना सब कटा पीछे, है पीछे। हाँ उधर 3-4 घर कटा है वहाँ। अच्छा, प्याजी का हारून आरी तो बुढ़िया बुढ़िया है वो भी कटा है। ये लोग जो नदी में जिसका घर कट गया है वो अभी कहाँ रह रहे हैं? जखीम डोला का बात नहीं कर सकेंगे वो लोग कहाँ रहा है जी, मगर कटा है वो लोग। अच्छा,
आपके यहाँ तो फिलहाल जो है जो 200 या 300 मीटर जो जियो बैग का काम हुआ है, तो इधर अभी जो है कटाव रुका हुआ है। हाँ, इधर अभी कटा हुआ है, लेकिन दक्षिण साइड कटान जारी है। उत्तर भी कटा हुआ है। आइए ना, पूछो सर, आपका मुस्कुराना गजब हो गया था, आग उठाया था, लेकिन फिर ठीक था, आग उठा कर झुकाना गजब हो गया। हुजूर, पानी आते आते यानी गजब हो जाता है, और देखा जाए ये दरिया कितना जख्म किया है, और यहाँ घर भी था ना, यानी पुराना भोजपुर मुखिया का नाती का घर था, शाहबाज का, यानी दरिया शिकस्त हो गया सर। अभी सरकार का नदी हो गया। बता सकते हैं कि अब तक जो है इस जो नदी दिख रहा है इसमें कितना घर गिर के समा गया होगा? करीब करीब 50 परिवार। 50 परिवार कितने दिन से कटा हुआ है? वही कहते हैं 15-16 से। उससे पहले भी तो कटाव था। हाँ, उससे पहले तो वो हो गया था, 87-86 वो सब में तो वो तो गुजर गया। यहाँ के जो पुराने गांव है वो दो भागों, वो पुराना गांव उधर चला गया भाग कर। उस तरफ कौन सा गांव है? उधर वो तो भिगनपुर है, वो तो हबदांग है, वो तो झमाटोली है, वो तो उज्जैन है, वो तो बागडोग है, वो तो बद्दू टोला है। सब लोग जो नदी में कट गए तो सब अगल पास के गांव में जाकर के बस गए हैं। वहाँ बद्दू टोला पूरा मरवा जाकर के बैठा है। अच्छा, यहीं से? हाँ, यहीं से। खुटिया रही का टोला जाकर के बैठा है, लेलू का जाकर के बैठा है, इधर मंजूसपुर में जाकर के बैठा है, उबरा टोला बैठा है। अच्छा, क्या जो नदी कटान से जो घर विस्थापित हो रहे हैं इधर उधर, उससे तो बच्चों के पढ़ाई में भी काफी? हाँ, बहुत। बच्चा कैसे जाएगा? बच्चा यानी अपना घर देखेगा ना, उधर पढ़ाई देखेगा, मुसीबत में फंस जाते हैं। क्या नाम है आपका? अबुल कलाम आजाद। कौन सी जगह है ये? मरवा है, यही नदी किनारे लेकर के परेशान। हमारा पूरा तो जमीन गया तो गया, खेती गया, मगर घर भी खत्म हो गया। देखिए, आगे मेरा मकान था, वहाँ से पीछे हट गए, तब भी नदी नहीं छोड़ता है। यहाँ आए तो बहुत आदमी ने बताया कि हम लोग के बेटा बेटी की शादी में कठिनाई होती है। बेटा बेटी रिश्ता आता है, आकर के फिर भाग जाता है। आप अपने बेटा बेटी का शादी कराए हैं? अभी तो नहीं करा है, मैं कराने के लायक है, मगर आते हैं और रिश्ता करने के लिए नदी का चक्कर देख करके घर देख करके भाग जाता है। हमारा नाम राहिना है। राहिना जी, बताइए कि क्या परेशानी है, कैसा होता है? परेशानी है कि नदी उछाल मार रहा है, आदमी भगवान देश नहीं बचे, गौरू बहने भागा था। मैम, पूर्णिया जिला में बैसी अनुमंडल जो है संपूर्ण बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में आता है, और बाढ़ से हर वक्त कटाव होता है, तो इस कटाव को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्य किए जाए? बाईसी अनुमंडल लो लैंड है और हर साल यहाँ बाढ़ आती है, और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही है। यहाँ कई नदियाँ एक साथ बहती है, जैसे महानंदा, कनकई, दास, परमान, जो मेजर नदियाँ हैं, और अभी जो वाटर लेवल था वो डेंजर लेवल से ऊपर तक गया था, जिसकी वजह से क्षेत्र में पानी फैल गया है। तो जहाँ जहाँ कटान हो रहा है, हम लोग अपने स्तर से प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है, और अविलंब वहाँ कार्य करवाया जा रहा है। जहाँ का जल स्तर कम हो रहा है वहाँ हम लोग काम अपने स्तर से करवा रहे हैं, और जहाँ कटान हो रहा है, और RWD का एक पुल मोड़ में धस गया था, रंगरैया लाल टोली का, तो वहाँ पे हम लोग उसको अविलंब रिस्टोर करवाएं। इसके अलावे बालू टोला, खाता टोली, बाईसा में भी काम करवाया गया है, और हरिंतोर, बाईसी, माला और तियरपाड़ा अमौर में भी एक जगह पुल का बांध पुल कटने वाला था, तो वहाँ भी इमीडिएट जिला पदाधिकारी महोदय के सहयोग से इमीडिएट रातों रात काम लगाया गया और उस बांध को बचा लिया गया। इस प्रकार हम लोग अपने स्तर से बिल्कुल क्रियाशील हैं, ध्यान दे रहे हैं, कहीं कुछ होता है तो एक्टिवली काम कर रहे हैं। इस बार अभी तो पानी कम हो गया है, और अगर फिर से पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ 2 या 3 बार आ ही जाता है 3-4 महीने में, तो अपने स्तर से हम लोग कम्युनिटी किचन के लिए और ऊंचे स्थल, बाढ़ आश्रय स्थल आदि चिन्हित करके रखे हुए हैं। जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। जो मैम, अभी जिस परिवार का घर फिलहाल कटा है मरवा में, तो उसके लिए कुछ आप लोग की तरफ से पहल किए, उनको कुछ आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दी गई है, या कुछ जो सरकारी प्रोसेस के तहत मदद होती है? सरकारी प्रावधान के तहत जिन लोगों का घर बाढ़ के दौरान कटता है, ऐसे लोगों का जियो टैगिंग हम लोग अपने स्तर से CO के थ्रू करवा रहे हैं। जियो टैगिंग हो जाएगा, उसके बाद हम सभी का प्रस्ताव भेजेंगे, विभाग से राशि प्राप्त होने के बाद उसका वितरण किया जाता है। इससे पूर्व भी हम लोग इस अनुमंडल में राशि वितरण किए हैं जिनका घर कटा था। आप जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी हैं सर, जो 22
तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और प्राकृतिक आपदा है एक बार, तो इस पर सर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे पूर्णिया जिला में 22 अनुमंडल आपदा प्रभावित क्षेत्र हमेशा रहा है, बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है। इस बार भी बाढ़ का प्रभाव आया था जब नदियों में जलस्तर बढ़ गया था और चारों तरफ पानी फैल गया था, बट हम लोग बाढ़ पूर्व तैयारी करते हैं और बाढ़ पूर्व तैयारी के समय ही हम लोग संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लेते हैं कि कहां कहां कटाव होने की संभावना है, वहां पर हम लोग बाढ़ निरोधात्मक कार्य करा लेते हैं ताकि किसी तरह के अप्रिय घटना ना घटे। तो इस साल हम लोग कुल 29 जगह पर बाढ़ आने से पहले ही निरोधात्मक कार्य करा लिए थे। ज्ञातव्य हो कि बाढ़ में FCD के द्वारा दो तरह के काम किया जाता है, एक बाढ़ पूर्व और एक बाढ़ के समय। बाढ़ पूर्व जो काम किया जाता है उसको बाढ़ निरोधात्मक कार्य कहा जाता है और बाढ़ के दौरान जो काम किया जाता है उसको बाढ़ संघर्षात्मक काम किया जाता है। तो बाढ़ निरोधात्मक कार्य के तहत हमने 29 स्थान चिन्हित किया था, वहाँ सब जगह हमने उसका बाढ़ निरोधात्मक कार्य कर लिया था और फ्लड फाइटिंग मटेरियल्स जो सैंड बैग इसी बैग जितना होते हैं वो सभी हम लोग रिक्वायरमेंट में पर्याप्त मात्रा में रख दिया था ताकि इनकेस अगर ज़रूरत पड़े तो हम उससे आगे भी काम कर सकें। वही जब बाढ़ की स्थिति पानियों नदियों में पानी बढ़ा और बाढ़ जैसी स्थिति हुआ तो बहुत जगह कटान हुआ, तो उसी फ्लड फाइटिंग मटेरियल को यूज करते हुए कुल हमने उन 25 जगह पर बाढ़ संघर्षात्मक काम किया और उसके तहत हमने कुछ मेजर भी काम किए, जैसे कि खाता टोली में हमारा था रोड कट गया था जिससे कर लगभग 20,000 के आसपास में प्रभावित हो रही थी, प्रभावित जनसंख्या थी, उसको तुरंत हम लोग RWB के मदद से रिस्टोर किए। और लाल टोली रंगरैया में पुल कट जाता, पुल के जो अप्रोच पथ था वो कट गया था किनारे से, अगर उसको त्वरित गति से नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से पूरा पुल कट जाता जिससे कितना करोड़ों का संपत्ति लॉस होता और उसमें बहुत सारे का लगभग 20,000 आदमी के आने जाने का साधन भी ब्लॉक हो जाता, उसको हम लोग रिस्टोर किए। इसी तरह से हम लोग तियारापाड़ा में भी एक सोनापुर पुल था वो भी कटने की कगार पर था, हम लोग त्वरित गति करते हुए उसको भी सेव किए, नहीं तो पुल में भी दोनों मानों को आने जाने का रास्ता खराब होता और बहुत सारी सरकारी संपत्ति का बर्बादी होती जिसको हमने त्वरित गति से किया। तो आज के डेट में हमारे जितने संवेदनशील जगह है वहाँ पर हमने फ्लड फाइटिंग मटेरियल रख लिया है और जहाँ जहाँ जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है हम लोग तुरंत त्वरित गति से 4 से 5 घंटे के अंदर उस पर रीस्टोर का काम करना शुरू कर दिया। यहाँ सर SDRF की अभी कितनी टीम को नियुक्त किया गया? बेसिकली पूर्णिया में हमारा 22 अनुमंडल ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे 29 सदस्यीय SDRF की टीम है जिसमें हमारे पास में 14 मोटर बोट्स हैं। और जैसे बाढ़ की स्थिति आती है तो हम इसको दो भाग में कर देते हैं, एक भाग पूर्णिया सब डिवीज़न में होती है और दूसरा भाग हमारा रुपौली साइड में जो गंगा का बैक वाटर आता है वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने की प्रावधान है। मैं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी हूँ, मेरा नाम टेस्लाल सिंह है और अनुमंडल में मैं DCLR के पोस्ट पर।